हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं पतंजलि का आटा नूडल्स मैगी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हम पनीर के साथ बनाएंगे। ये काफ़ी हेल्दी होता है, ये और मैगी से ज़्यादा स्टिकी नहीं होता है, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पतंजलि नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने गैस पे एक कढ़ाही ले लिया है। गैस को हमने ऑन किया। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। तो यहाँ पे आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं, लेकिन ये पतंजलि का घी हमने यूज किया है। घी को हम मेल्ट होने देंगे। अब हम इसमें पनीर डालेंगे। तो हम यहाँ पे 100 ग्राम पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में काट रखा है। इसे हम घी में डाल के और सेलो फ्राई करेंगे। हमें ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है, जस्ट इसकी कच्चापन दूर कर देनी है। पनीर को हमने फ्राई कर लिया है। हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और पनीर को एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो हम आराम आराम से पनीर के टुकड़े को निकालेंगे, क्योंकि पनीर सॉफ्ट होता है, टूट सकता है। पनीर को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम गैस को फिर से ऑन करेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। तो आप कोई भी इसमें वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज प्याज, जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट रखा है। हम 2 पैकेट मैगी बनाने जा रहे हैं, तो 2 छोटे छोटे प्याज लिए हैं, यानी कि मीडियम साइज के। इसे भी हम तेल में डाल के और कच्चापन दूर होने तक भूनेंगे, यानी कि 3 से 4 मिनट भूनेंगे तो इसकी कच्चापन दूर हो जाएगी। प्याज को हमने भून लिया है, ये हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च काट लिए हैं छोटे छोटे, उसे भी डाल देंगे। साथ में हम यहाँ पे 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी छोटा छोटा काट लिए हैं और इसे भी हम डाल के प्याज के साथ कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। प्याज के साथ अपना अदरक मिर्च भी भून चुका है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 बड़ा साइज टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में काट रखा है, उसे डाल देंगे। और प्याज के साथ हम टमाटर को भी अच्छे से भूनेंगे। हमने टमाटर डाल लिया है, तो हम मसाला भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो हमने हरी मिर्च डाला था, इसके लिए मिर्च अपने अंदाज से डालेंगे। आपको जितना तीखा पसंद है उतना ही डालिए। 1/4 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। और टमाटर जल्दी गल जाए, इसके लिए हम स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देंगे। तो नमक डालते टाइम आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैगी मेकर में भी नमक होता है। तो हम अंदाज से नमक डालेंगे। अब हम टमाटर प्याज के साथ मसाले को अच्छे से 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं टमाटर प्याज सब गल चुका है, मसाला भी भून चुका है। तो हम 2 पैकेट मैगी बनाएंगे, तो उसमें हम 250 ग्राम पानी डाल रहे हैं। सब्जियों के साथ हम पानी को अच्छे से उबलने देंगे। पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे हम 10-10 वाली पतंजलि का 2 पैकेट नूडल्स डालेंगे। तो इसमें से हम मैगी मेकर को निकाल लेते हैं, बाद में डालेंगे। और मैगी को हम निकाल के ऐसे 2 टुकड़े में तोड़ के, आप चाहें तो 4 टुकड़े में भी तोड़ सकते हैं, डाल देंगे। तो हमने 1 पैकेट डाला और ये 2रा पैकेट। अब हम मैगी को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, यानी कि भिंगा लेंगे पानी में।
मैगी मिक्स करने के बाद हम इसमें मैगी मेकर भी डाल देंगे। तो सबसे पहले हम इसे काट के हटा देते हैं और इसमें हम ये भी डाल देते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। हमने 2 पैकेट मैगी मेकर डाल दिया, अब हम इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, कवर करके मैगी को 3 से 4 मिनट तक एकदम मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। इसे हमने कवर कर दिया है, अब हम इसे पकने के बाद चेक करते हैं। तो चलिए हम ढक्कन हटा के मैगी को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अपनी मैगी ऑलमोस्ट पक चुकी है। तो एक बार हम इसे मिक्स करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए, अपनी मैगी जो है पानी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। अब हमने जो पनीर निकाल के रखा था उसको इसमें डाल देंगे और हल्के हाथों से पनीर के साथ हम इसे मैगी को मिक्स करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी मैगी तैयार होता है और हेल्दी भी होता है। आप बच्चों को ये मैगी खिला के देखिएगा, बच्चे पसंद करेंगे और हेल्दी भी होगा। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और कवर करके इसे कुछ मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर हम सर्व करेंगे। तो चलिए हम मैगी सर्व कर लेते हैं। हम ढक्कन को हटा लेंगे। आप ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया अपनी मैगी बनकर तैयार हुई है। पतंजलि का पनीर मैगी बनकर तैयार है। आपने देख लिया इसे बनाना कितना आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप बच्चे को भी बना के खिला सकते हैं, ये ज़्यादा स्टिकी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये मैगी की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।